हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी थर्मल पावर प्लांट की तरफ से आ रही है और आप लोगों के लिए ये रिक्रूटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट एलिजिबल है, सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन बताना चाहूँगी जिससे कि जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगा इस वैकेंसी की, तो ये हमारी थर्मल पावर प्लांट पानीपत की तरफ से आ रही है। ये फ्रेशर स्टूडेंट की वैकेंसी है और यहाँ पर हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे डिप्लोमा वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही गाइस ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। और यहाँ हमारे फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट आप लोगों की नज़दीक रहने वाली है, कल ही की लास्ट डेट है, तो इसीलिए आप लोग ज़रूर अप्लाई कर दें क्योंकि गाइस ये जो अपडेट है आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर अर्जेंटली दे रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ आप लोगों का फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा एज वेल एज़ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आप लोगों का यहाँ पर एंडिंग डेट 22 जनवरी, यहाँ 22 फरवरी रखी गई है। तो ये पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की तरफ से आ रहा है। यहाँ अप्रेंटिस रहने वाली है, 1 ईयर की अप्रेंटिस रहेगी। एंड जो आप लोगों का जो कैंडिडेट है, देखिए यहाँ सबसे पहले डिप्लोमा वालों का दिया गया है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल एंड यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। आप लोगों की कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, कम है, बट अगर सच में आप लोग पानीपत की साइड के हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करें गाइस, देखिए यहाँ कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑलमोस्ट। और बीई बीटेक वाले एलिजिबल रहेंगे, अगर आप बीई बीटेक कैंडिडेट हैं तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ आप लोगों को डिवाइड कर दिया गया है। साथ ही गाइज यहाँ आप लोगों को अप्लाई करने का प्रोसेस है NATS पोर्टल के द्वारा। जो कैंडिडेट हमारे पहले से NATS पोर्टल पर यहाँ कर चुके होंगे रजिस्टर, क्योंकि मैं पहले ही बताती रहती हूँ कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कर लेना है NATS पर, तो कर चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कर लिया होगा तो जो ईमेल आईडी होगी वो वहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप लोग वहाँ से अप्लाई करेंगे। देखिए पूरा स्टेप बताया गया है 1 बाय 1 किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। और नाम क्या डालना है, पानीपत थर्मल पावर प्लांट, ये आप लोग डालेंगे तभी आप लोगों का वहाँ पर निकल कर आएगी ये वैकेंसी। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें गाइज, लोकेशन आप लोगों की पानीपत हरियाणा की रहेगी, अप्रेंटिस रहने वाली है। और आप लोगों को जो सैलरी पैकेज दिया जाएगा उसकी भी मैं बात कर लेती हूँ। तो सैलरी पैकेज ऑलमोस्ट जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए 9,000 दिया जाएगा और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ 8,000 पर मंथ दिया जाएगा। और आप लोगों से यहाँ कोई भी फीस वगैरह नहीं ली जाएगी, तो फ्री का फॉर्म है, ज़रूर अप्लाई कर दें। और एज लिमिट आप लोगों की मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम यहाँ पर 42 दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों के मेरिट बेस एंड इंटरव्यू के आधार पर यहाँ डिपेंड करेगा, किस तरीके से आप लोगों के एग्जाम, मतलब जो एग्जाम में मार्क्स आए होंगे उसके आधार पर आप लोगों को यहाँ निकाला जाएगा। 1 ईयर का अप्रेंटिस है तो आप लोग अप्रेंटिस कर सकती हैं, अप्लाई ज़रूर करें। अप्लाई की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी NATS पोर्टल की, वहाँ से जाकर आप लोग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए।